हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मार्केट मैकेनिज्म में स्पेशली डिमांड और सप्लाई को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टीसनेट और सीमेट का सेपरेट ग्रुप है, और भी ग्रुप्स हैं, स्नैप एंड मेट का एक सेपरेट ग्रुप है, और एमबीए सीईटी का और सीयूईटी पीजी का, ये सारे सेपरेट ग्रुप हैं, इनको भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। We have started a paid course for TISnet, तो इसमें complete course कवरेज रहेगा और TIS specific जो GK है, जैसे art and culture हो गया या cinema कह लो, current affairs mainly, तो current affairs ही question आ रहे हैं generally पिछले काफी year से, last year भी approx 30 question तो current affairs ही थे, ये सारे हम लोग discuss करेंगे classes में। 200 प्लस 250 प्लस लाइव क्लासेस होंगे जनरली, सारे की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, और लास्ट में हम लोग 10 जो क्लोज्ड मॉक्स होंगे वो भी प्रोवाइड करेंगे, और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे जिससे आपके स्पीड बिल्डअप हो सके। और हमने प्राइस काफ़ी इकोनॉमिकल रखा है, 1999, मुझे नहीं लगता इतने कम प्राइस पे कोर्सेस अवेलेबल हैं इसके। अब चाहो तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एग्जाम पर्सनल एडमिन टेलीग्राम पे, और आप डिस्कस कर सकते हो। सिमिलरली सीमेट का भी कोर्स है, इसमें लोग सारे पांच सेक्शन, सारे पांच सेक्शन डिस्कस करेंगे, आई भी होगा इसमें, और कोई भी टॉपिक होगा उसका हम लोग डिटेल काफी कवरेज करेंगे सारी वैरायटीज के साथ। अप्रॉक्स इसमें भी 250 तो लाइव क्लासेस होंगी, सारे की रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगे, लास्ट में 10 मॉक्स भी होंगे, फिर उसी तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट, और इसकी भी प्राइसिंग हमने सेम ही रखी। अगर आप दोनों चाहते हो सीमेट प्लस टीस, तो इसका हमने काफ़ी कम कर रखा है प्राइस, 2499 पे आपको मिल जाएगा, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। करेंटली हम लोग डेमो क्लास ले रहे हैं इसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब सपोज मुझे कोई वस्तु बनानी है तो मुझे उसमें क्या क्या लगेगा, तो इसमें चार चीजें होती हैं जनरली। लैंड लगेगा आपको, अब कहीं आपको प्लांट लगाओगे तो उसके लिए लैंड चाहिए, राइट। फिर लेबर, लोग जो काम करेंगे वो तो चाहिए ही, आप तो सारा काम करोगे नहीं खुद से, लेबर कैपिटल होगी या फिर पूंजी, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा ही। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो इन्वेस्टर है या जो आप जैसे सपोज कोई फाउंडर है वो, तो इन चारों चीज में कोई भी आप एक चीज हटा दोगे तो कोई आप कोई भी सामान नहीं बना सकते, प्रोडक्शन आपका बेसिकली फेल हो जाएगा, तो इसलिए इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि ये इतने तो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही प्रोडक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज अ फैक्टर मार्केट। अब मार्केट जनरली दो टाइप के होते हैं, एक फैक्टर मार्केट होता है, दूसरा गुड्स मार्केट होता है, गुड्स या प्रोडक्ट्स मार्केट भी कहते हैं उसको। फैक्टर मार्केट में क्या होता है कि जैसे ये जो चार चीजें हैं यहाँ पे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, सपोज कोई बिजनेसमैन है उसको इन चारों चीज को खरीदना है तो कहाँ जाएगा वो, फैक्टर मार्केट में जाएगा, राइट। चारों चीज नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप तो खुद ही बेसिकली कह सकते हो, तो इन तीनों चीज को खरीदना है अगर उसे तो कहाँ जाएगा, तो वो फैक्टर मार्केट में जाएगा। यानी कि फैक्टर मार्केट ऐसा मार्केट है जहां पे फैक्टर्स बिकते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिकते हैं, प्लेस ऑफ सेल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसी जगह जहां पे ये फैक्टर्स बिकते हैं। Who are the buyers and sellers of factor market? अब इस मार्केट में खरीदार कौन होगा और कह लो बेचने वाला कौन होगा, तो खरीदार इसका कौन सा होगा, कोई हम लोग आम आदमी थोड़ी ना जाएंगे उसके पास नहीं जाएंगे, राइट। वी आर नॉट कह लो हम लोगों को कुछ नहीं बनाना उस टाइप का, ठीक है। तो जनरली जो कॉमन मैन होता वो नहीं होता, इसके जो बायर्स होंगे वो क्या कह लो फर्म्स होंगे या बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो होंगी, राइट, या कोई एंटरप्रेन्योर है वो हो सकता है। सेलर कौन होगा, सेलर तो कोई कॉमन जनरली हाउस होल्ड ही होता है, ठीक है। सपोज किसी को लैंड अपना बेचना है तो वो होगा, या कोई लेबरर्स है, ठीक है। तो ये इसमें हाउस होल्ड सेलर्स होंगे और फर्म्स बायर होंगे। नेक्स्ट है गुड्स मार्केट, इसका जस्ट उल्टा। गुड्स मार्केट में फैक्टर्स नहीं बिकते हैं, गुड्स मार्केट में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन का क्या है, जैसे देखो इनपुट होगा प्रोडक्शन में और आउटपुट होगा, राइट। इनपुट में क्या होगा, इनपुट में आप फैक्टर्स डालोगे, लैंड डालोगे, लेबर डालोगे, कैपिटल डालोगे, एंटरप्रेन्योरशिप डालोगे। आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, आउटपुट में आएगा फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या फिनिश्ड गुड्स। जैसे सपोज आपने एयर कंडीशनर खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो वो क्या फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसको किसी ना किसी कंपनी ने बनाया हुआ, हैवेल्स हो गया या एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है। तो गुड्स मार्केट में क्या होगा, गुड्स मार्केट में आप फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, तो यहां पे प्लेस वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड, नॉट द फैक्टर्स। हु आर द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ गुड्स मार्केट। अब इस मार्केट में कौन बायर और कौन सेलर है, गुड्स मार्केट में बायर जो होगा आपका वो कॉमन मैन होगा, राइट।
लेकिन सेलर कौन होगा, सेलर फर्म्स होगा। यहाँ पे देखो जस्ट उल्टा था, यहाँ हाउस होल्ड सेलर था और फर्म्स खरीदार थे, यहाँ पे हाउस होल्ड बायर होगा और सेलर फर्म होगा। ठीक है, बायर में फर्म्स भी आ सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सेलर तो फर्म ही होगा, फर्म सा सेलर से, हाउस होल्ड से, फर्म सा बायर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंडिचर आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, व्हाट आर दे। अब जो खर्च है उसको हम लोग जनरली दो भाग में बांटते हैं, वो क्या क्या है, पहला है कैपिटल और दूसरा रिवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो जनरली आप वन टाइम के लिए कॉस्ट, वन टाइम के लिए खर्च करते हो और आप उसके बेसिस पे कुछ एसेट बनाना चाहते हो। आपने खर्च इसीलिए किया है कि आप कुछ कह लो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे बिल्डिंग बनाना हुआ, रोड बनाने हुआ, या आपने कहीं लैंड खरीद लिया, तो ये आप जनरली लॉन्ग टर्म के लिए खर्च करते हो और ये जो खर्च होता है जनरली हाई होता है। ठीक है, ये जो खर्च होता है जनरली हाई होता है, तो ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होगा विच क्रिएट्स एसेट्स, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड, एक्वायरिंग लैंड, मशीनरी एटसेट्रा। इच कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग, अभी कह रहा है क्या ये जो खर्च होगा बार बार होगा, नहीं होगा, ये वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये रिकरिंग नेचर का नहीं होता है, ये जनरली नॉन रिकरिंग होता है और लॉन्ग टर्म होता है। व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर होता है, इसका जस्ट उल्टा कह लो, विच डज नॉट क्रिएट एनी एसेट, इसमें एसेट्स नहीं बनता, एग्जाम्पल सैलरी ऑफ इंप्लॉइज, मेंटेनेंस ऑफ रोड, स्ट्रीट लाइट एटसेट्रा। कह लो सैलरी ऑफ, आपको इंप्लॉयज का सैलरी देना है या रोड मेंटेनेंस करना है, स्ट्रीट लाइट्स करना है, तो ये तो रेगुलर इंटरवल पे होते रहेंगे, राइट। और इसमें खर्च जो होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना थोड़ी ना आएगा, अब जैसे रोड बनाना है और रोड का मेंटेनेंस करना है, रोड बिल्डिंग और रोड मेंटेनेंस, इसमें जो खर्च होगा क्या इतना ही इसमें भी होगा, नहीं होगा, इसमें मेंटेनेंस में तो कम ही खर्च लगेगा। लेकिन मेंटेनेंस और बिल्डिंग में क्या अंतर है कि बिल्डिंग आपको एक रोड बिल्ड एक बार करना है आपको, लेकिन मेंटेनेंस तो हर कह दो 3 महीने पे 6 महीने पे करता ही रहना पड़ेगा, राइट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कम होगा लेकिन ये शॉर्ट टर्म का खर्च है और ये बार बार का खर्च है। तो नेक्स्ट है इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग, ऑब्वियसली इट इज रिकरिंग। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब कोई भी कह लो बिजनेस है उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ डेली के खर्च होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल रेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा। तो जो डेली का खर्च है, जो मिनिमम आपको बिजनेस रनिंग रन कह लो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा। व्हाट इज डिमांड, अब डिमांड है क्या, डिमांड कुछ भी नहीं है, डिमांड मतलब क्या होता है मांग, राइट। तो बायर्स जो हैं वो कितना सामान खरीदना चाह रहे हैं, व्हाट इज द कह लो क्वांटिटी ऑफ आइटम्स दैट दे वांट टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप महंगा बेच रहे हो जितना पे वो खरीदना नहीं चाह रहा, तो डिमांड वही कहलाएगा जो कह लो बायर्स जितना प्राइस देने को तैयार हैं और जितनी क्वांटिटी वो खरीदना चाह रहे हैं। तो द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस द बायर्स आर एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस, किसी खास प्राइस पे वो जितना खरीदने के लिए सक्षम है। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, जो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से आप सोचोगे, सेलर्स कितना बेचने को तैयार है किसी खास प्राइस पे, द क्वांटिटी ऑफ अ गुड और सर्विस द सेलर्स आर एबल टू डिलीवर एट अ पर्टिकुलर प्राइस। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड, अब लॉ ऑफ डिमांड को आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप सपोज आपके लोग प्राइस आपने बढ़ा दिया किसी चीज का, तो डिमांड बढ़ेगा या घटेगा, आप खुद सोचो, डिमांड घटेगा ऑब्वियसली, राइट। बायर के अगर आप पर्सपेक्टिव से सोचो, जनरली खरीदार किस सेंस में सोचता है, वो यही सोचता है कि इसकी दाम बढ़ गया तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, ठीक है, कम लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन सपोज कह लो कहीं सेल चल रहा हो, काफी जैसे एंड ऑफ सीजन सेल होता है, उसमें काफी ज्यादा डिस्काउंट होता है, प्राइस काफी स्लैश हो जाते हैं, राइट। तो आप देखोगे वहां पर रश हो जाता है, बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं उसको, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। हायर द प्राइस ऑफ गुड द लोअर ऑफ द डिमांड, प्राइस आप जैसे ही बढ़ाओगे उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाएगी। व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई, अब ये सेलर के पर्सपेक्टिव से है, तो सेलर क्या करेगा, इसमें भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, सेल सपोज कह लो किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो सेलर भी क्या करेगा, डिमांड सप्लाई बढ़ा देगा, राइट। क्योंकि वो क्या चाहेगा कि अभी ज्यादा बिक रहा है और ज्यादा ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर दूंगा, ठीक है। तो सेलर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स दे इंक्रीज द सप्लाई, हायर द प्राइस ऑफ गुड द हायर बी द सप्लाई। इन डिमांड का प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर रिलेटेड हाउ, तो एक डिमांड कर्व होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप डिमांड रखोगे और यहाँ पे प्राइस, तो इन दोनों का आपस में कैसा रिलेशन होता है, तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग लाइन आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पे ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, राइट। प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप आगे प्राइस गिराते जाओगे डिमांड बढ़ता जाएगा, तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं प्राइस और क्वांटिटी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ प्राइस चेंजेस कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट देन मूवमेंट इज। अब ये प्राइस जो ये जो डिमांड कर रहा है वो किस टाइप से बिहेव करेगा अगर मैं क्या करूं प्राइस को चेंज कर दूं बाकी जो सारा फैक्टर्स वो कांस्टेंट रहने दूं। अब डिमांड कह लो किस किस चीज पे होता है, डिमांड आपका कह लो फैशन पे भी डिपेंड करता है, राइट, टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, लोगों को क्या पसंद है, प्रेफरेंस है लोगों का, वेदर है। अब कह लो विंटर है तो विंटर में स्वेटर ज्यादा बिकेंगे, राइट, तो डिमांड वेदर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स मैं कांस्टेंट छोड़ दूंगा, कांस्टेंट ही रखूंगा, और प्राइस को मैं चेंज करूंगा, बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, तो जो मेरा डिमांड कर्व है जो अभी मैंने देखा था डिमांड कर्व यहाँ पे ये वाला, तो ये किस टाइप से बिहेव करेगा, तो इसमें जो मूवमेंट होता है ना ये मूवमेंट इसी डिमांड कर्व पे होगा, ये डिमांड कर्व ऐसा ही रहेगा, ये कहीं आगे या पीछे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जो मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड कर्व होगा, ये अलोंग द डिमांड ही कर्व होगा, इससे मैं आगे आगे या पीछे नहीं जाऊंगा, मैं इसी पे मूव करूंगा। इसका जस्ट उल्टा सिनारियो है, इसमें प्राइस को मैं रोक देता हूँ, प्राइस को कांस्टेंट करता हूँ और अदर फैक्टर्स को चेंज करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे समर में था विंटर चला जाता हूँ, ठीक है, फैशन सेंस बदल देता हूँ, 1970s का फैशन और आज का फैशन में काफी अंतर है, राइट, टेस्ट है लोगों का, या कह लो मैं रूरल एरिया से अर्बन में चला जाता हूँ, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे डिमांड बदलता है लोगों का। तो इस केस में क्या होगा, मूवमेंट, तो इस केस में मूवमेंट क्या होता है, अब आप जैसे ये डिमांड कर रहे हो D1 आपका, तो आप इस पे नहीं रहोगे, आप या तो आगे जाओगे D2 या पीछे आओगे D3, तो बेसिकली आपका जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो गया, राइट, अब जो आपका मूवमेंट है वो अलोंग द डिमांड कर्व नहीं है, अब आप क्या करो पूरा का पूरा डिमांड कर्व भी आगे ले जा रहे हो या पीछे ले जा रहे हो, सो द आंसर इज द डिमांड कर्व इज शिफ्टेड। सिटरस पेरिबस इज एन इकोनॉमिक फ्रेज विच मीन्स, ये काफी कह लो मोस्ट फ्रिक्वेंटली इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें काफी ज्यादा बार ये लोग फ्रेज यूज करते हैं, तो एक लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, जैसे ये था ना कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, इसका मतलब ही वही होता है, जहां भी आपको कह लो दो आप वेरिएबल्स हैं उसके बीच में आप रिलेशन बता रहे हो और आपको ऐसा कंडीशन डालना है कि मैं बाकी चीजों को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, तो आप ये टर्म यूज कर सकते हो सिटरस पेरिबस, इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है, इसका मतलब ये ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड इज डिस्क्राइब फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बायर और सेलर, अब ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड हमेशा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, राइट, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई का जो हेडक है या कह लो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेलर की है, बायर को क्या मतलब है सप्लाई से, लेकिन डिमांड जनरली क्या होता है बायर पे ही, अब सेलर चाहे जितना भी सामान सप्लाई कर दे लेकिन बायर खरीदना ही नहीं चाहेगा तो क्या मतलब उसका, तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली बायर ही रेगुलेट करेगा और लॉ ऑफ सप्लाई जनरली सेलर रेगुलेट करता है, तो ये बायर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो आई थिंक वी डिस्कस्ड अराउंड 20 क्वेश्चन और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, कंसेप्चुअल थे, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, रिवीजन पर्पज से आप यूज कर सकते हो। और ये जो वीडियो अभी जैसे हम लोगों ने किया तो हम लोग क्या करते हैं जनरली उसके बाद इसी टॉपिक पे क्विज कंडक्ट करते हैं, तो जब भी हम लोग कोई वीडियो करते हैं तो क्विज कंडक्ट करते ही करते हैं, तो इसका काफी एडवांटेज आपको हो जाएगा, ये वीडियो आप जरूर से ज्वाइन करना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम, आप चाहो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, ठीक है, थैंक यू।